एक बात और है, इनकी दादी बीड़ी पिया करती थी तो ये भी कभी कभार छुप के बीड़ी पीती थी। सच्ची में मैंने तुम्हें देखा था शिव मंदिर के पास, तुम बीड़ी पीते। हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड्स, सब ठीक ठाक। दोस्तों आज हम हस्बैंड वाइफ का डिस्कशन होने वाला है कि इनकी बचपन की हॉबियाँ क्या थी, शादी से पहले क्या करती थी क्या नहीं करती थी, वो आज सारा चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं दिल्ली में जहाँ पे रहता था मैं रेंट पे रहता था और इनका खुद का मकान था, तो मैं पहला पति हूँ जो इनको 12 साल से फॉलो करता था, यानी 12 साल की एज में मैं प्यार करने लगा था इनसे। सच्ची में तुम 8 साल के हुआ करती थी, तो आज इसी के ऊपर है दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि सालू को साइकिल चलाना बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों? साइकिल चलाते रहते थे ना तुम? मुझे बहुत दिन भर साइकिल चलाती थी। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे एक शिव मंदिर था, तो इस शिव मंदिर के पास साइकिल चलाने आया करती थी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी चलाने आती है कि एक घंटे का रास्ता मैं आधे घंटे में कर लूंगी। साइकिल बहुत दोस्तों अच्छा एक बात और बताए तो मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता है, कसम से दोस्तों सच्ची बता रहा हूँ। मैं तो इनको बोल रही थी कि एक काम करो आप साइकिल खरीद लो, मैं चलाना सिखा दूंगी आप। मैं दोस्तों ना साइकिल चलाना आता है तो बाइक कहाँ से चलाना आएगा, तो मेरे को बाइक चलाना भी नहीं आता है, ना कार चलानी आती, कुछ नहीं। लेकिन हमारी मोहतरमा को साइकिल भी आती है और स्कूटी भी आती है, तो इनके पापा का वो था ट्रांसपोर्टेशन का काम था तो इसलिए इन्होंने सीख लिए ज़्यादा, है ना। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि सालू बिल्कुल ट्रिपिकल फैमिली से आती है, हरियाणवी फैमिली से आती है, तो ये चूल्हे वूल्हे पे भी बचपन से ही रोटी बना लिया करती थी। चूल्हे पे रोटी थोड़ी ना बनाते, हाँ पर ये है कि दादी सब बनाती थी तो बैठ जाते थे, पता है कि किस तरीके से बनते हैं, पर बहुत वो जो लगता है ना कि मतलब इजी लगता है, उतना इजी है नहीं चूल्हे पर रोटी बनाना। और दोस्तों मैं इनको कहता हूँ कि तुम अभी चूल्हे पे रोटी बना के खिला दो तो ये मेरे को नहीं बोलती, बल्कि मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कभी चूल्हे पे रोटी बनाई नहीं है, हाँ पर घर में जरूर बनती थी, पर वो भी बहुत सालों पहले बनती थी। अब तो आजकल लोग गैस वगैरह सब लोगों के घर में होते, अब तो कोई चूल्हे पर रोटी बनाता ही नहीं है। और इसका जो फेवरेट खाना मैं बता देता हूँ, जो इसका फेवरेट खाना है सालू का, वो चटनी रोटी गुड़ और छाए। वो फेवरेट तो नहीं कहूंगी पर हाँ अच्छा लगता है, गर्मियों में हमारे वहाँ पे बहुत खाते थे, तो मतलब ये नहीं है कि खाली सिर्फ चटनी रोटी, सब्जी भी रहती थी, सब्जी रोटी चटनी छाछ, जो हम लोग में दूध दही घी पे ज्यादा फोकस रहता है तो वही ज्यादा खाते थे। अच्छा, तो तुम तो मेरे को चटनी रोटी कभी बना के खिलाते नहीं हो। आप खाओगे? और एक बात है, पहले चावल नहीं खाती थी, जब से हमारे साथ शादी हुआ है ना, तो अभी कुछ दिन पहले चावल खत्म हो गया था, बोला था अरे चावल ला के दो, मेरा गला सूख रहा है, चावल नहीं खाऊंगी तो मेरा काम नहीं चलेगा। भाई देखो बात क्या है कि जब इंसान जैसे जगह रहने लगता है बिल्कुल वैसा ही ढल जाता है, ठीक है, बात ये है। सही बात, क्योंकि मैं सच्ची में ये सही बोल रहा हूं, क्योंकि चावल मैं नहीं खाती थी, मुश्किल से महीने में एक या दो बार चावल खाती थी, नहीं तो सिर्फ रोटी खाती थी, चावल में कभी नहीं खाती। और एक बात और है, इनकी दादी बीड़ी पिया करती थी तो ये भी कभी कभार छुप के बीड़ी पीती थी। सच्ची में मैंने तुम्हें देखा था शिव मंदिर के पास, तुम बीड़ी पीते थे। कितना झूठ बोल रहे हो। सच्ची मैंने कब बीड़ी पिया? तुम्हारे फॉलो करते रहते थे। और तुम्हारे ओठ क्यों काले हैं? बचपन से ओठ ऐसे है काले की क्या बात, जिसका जो नेचुरली है तो है। अब मैंने कभी, लेकिन तुम लोगों ने बचपन में कभी हुक्का को चखा तो होगा? क्योंकि जो मेरी दादी थी वो हुक्का पीती थी, अब तक पीती थी, अभी उनका तो कुछ टाइम पहले ही अभी एक्सपायर हो गई है, वो स्वर्गवास हो गया उनका, कुछ सप्ताह 10 दिन तो यही थी। दादी अपने पोता पोते को बोलती थी जाके भर के लेके आओ हुक्का, और ये कभी कभार भी ले लेते थे हुक्का का मजे। नहीं ज्यादा नहीं, अच्छा एक ही बार पिया है, ठीक है एक ही बार पिया। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, इनको इमली खाना बहुत पसंद है, ये बचपन में खट्टी खट्टी जो इमली ले आती थी। देखो, वो तो हर लड़की को पसंद है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही मुश्किल कोई लड़की होगी जो जिसने इमली नहीं खाई होगी। और जो मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ये भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो जहाँ पे हम रहते थे समझ लो कि खानदानी स्कूल है, क्योंकि मेरे दादा मेरे पापा मेरी बुआ मेरे बड़े भाई बहन मैं हम सब एक ही स्कूल में पढ़े, मेरे दादा परदादा नहीं दादा पापा बुआ सब, और हम सब भी मैं लास्ट थी उस स्कूल में। उस स्कूल की खास बात मैं बताता हूँ, आप भी उसी में पढ़े हो? हाँ मैं बता रहा हूँ, उसी स्कूल में पढ़े हैं। मैं बता रहा हूँ उस स्कूल की जो खास बात थी, क्योंकि वो बॉयज गर्ल्स कंबाइंड स्कूल नहीं था, सुबह के टाइम में गर्ल्स स्कूल था और आफ्टरनून में क्या बोलते हैं लड़कों का स्कूल, लड़कों का जो बैच लगता था। तो जब मैं 6th क्लास में थी, मैडम 1st क्लास में थी, तो मैं इतना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन ये हमारी सिस्टर के पास ट्यूशन पढ़ने आई तो वहीं से थोड़ा थोड़ा प्यार उमड़ने लगा, जब ये 12 साल की थी, तो वही चीज है।
लेकिन छोटी छोटी स्कर्ट पहन के आती थी। हाँ इनकी ड्रेस तो इतने थी। एक बार क्या हुआ था, जो हमारी बुआ की लड़की आई थी, बोली थी बिल्कुल मैं शॉर्ट ड्रेसेस बहुत पहनी है मैंने बचपन में, शॉर्ट ड्रेसेस बहुत पहनी। अब जाके शॉर्ट ड्रेसेस पहनती नहीं है मैडम। अब के पहनूंगे, अब तो क्यों नहीं पहनते हो, 4-5 साल का बच्चा हो गया। अरे यार बूढ़े कभी नहीं होते हैं। नहीं वो तो खैर बात अलग है। तो यही चीज है। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब ये ट्यूशन पढ़ने आई थी ना, तो सबसे पहला जो मैंने 2 का टेबल मैंने इनको सिखाया था। सच्ची बता रहा हूँ ना मैं, ये देखो क्योंकि ये जब ट्यूशन पढ़ने आई थी तो मेरी बहन के पास, जो मेरी बड़ी बहन है उनके पास आई थी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी बहन उस दिन कहीं पर चली गई थी, तो ये दोनों बहनें आई पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई पढ़ाते हैं आज क्या बात है। तो मैंने 2 का टेबल इनको स्टार्ट किया। 2 का टेबल अभी भी मान रही है, झूठ नहीं बोल रही है ना। झूठ क्यों बोलूंगी भाई, जो मैं अगर कहूँ कि मेरा पहला गुरु तो नहीं, क्योंकि हम एक हमारे सर थे, वो थोड़ी हाइट उनकी काफ़ी कम थी, कुछ 4 फुट के होंगे वो, बहुत ज़्यादा कम थे, तो हम उनको बहुत चिढ़ाते थे। वो हमें छुट्टी नहीं देते थे, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ा के रखते थे। वो कभी बाथरूम जाते थे ना, वॉशरूम, तो हम लोग क्या करते थे, वो वॉशरूम जाते थे, हम लोग बाहर से कुंडी लगा कर अपने घर भाग जाते थे। तो ये जो हमारी जो हमारी सिस्टर के पास इन्होंने 4 साल पढ़ा, यानी 6th से लेके 9th क्लास तक, 6, 7, 8, 9 ठीक है ना, एक बार 6th क्लास में फेल हो चुकी है। और ठीक है ना, और 10th क्लास से मैंने पढ़ाया, क्योंकि मेरी बहन की शादी हो गई थी, ठीक है ना, तो इन दोनों बहनों का कॉल आया कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। मैं बोला भाई मैं तो ट्यूशन पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो जॉब करता था, फिटनेस लाइन में था। तो मैंने बोला मेरी 6 से 12 ड्यूटी हुआ करती थी, तो मैं ठीक है भाई शाम को आ जाना पढ़ा दूंगा मैं। तो मैंने सोचा इनकी बड़ी बहन आएगी तो उन्हीं को हम पसंद करेंगे, लेकिन आ गई छोटी बहन। तो फिर क्यों पसंद किया, फिर धीरे धीरे एक दिन बोली मत भाई, करते भाई एक दिन बोली थी सर सर आपका कोई क्या बोलते हैं कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने बोला नहीं है, मैंने बोला भाव दे रही है, मेरा भाव दे रही है। तो मैंने बोला 5 अक्षर का नाम है। मैंने बोला भाई जब लड़की भाव दे रही है तो हम भी ताव दे देते हैं, क्या बात नहीं, है। नहीं भाई देखो क्या बात हुई थी कि जब मतलब मैंने इनसे बोला तो सच्ची में भगवान का सब मेरे दिलो दिमाग में दूर दूर तक ऐसा कोई मतलब सोच नहीं थी कि मैं इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो मैं इनकी गर्लफ्रेंड बनूं, कुछ भी नहीं था। बस मैं ऐसी पूछना चाहती थी कि एक लड़की थी वहां पे रहती थी तो वो घूमती रहती थी इनके घर के बाहर, तो मुझे लगा कि शायद क्या पता इनकी गर्लफ्रेंड हो। और मैंने भी इनको एक बार बाहर में देखा था और वो रही, तो मुझे लगा ऐसा, तो मैंने पूछा, पर मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं पूछ रही तो आगे जाके मेरे ऊपर ही उल्टा भारी पड़ने वाला है। तो ये मेरा दिमाग में इन्होंने पूछा कि कौन, तो मैंने बोला भाई 5 अक्षर का नाम है, 5 अक्षर का नाम इन्हीं का आता है, मतलब पहले एस आता है और लास्ट में यू आता है। तो ये मैंने बोला ठीक है मैं बताती हूँ आपको, मतलब कौन है कौन है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने जब इनको प्रपोज किया था, जो गुलाब लेके आया था इन्होंने, गुलाब मेरे को फेंक के मारा था, फेंक के, और टीवी पे जाके लगा और टीवी सूखड़ा, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि भाई देखो मैंने इनसे बिल्कुल भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे मन में कोई ऐसी भावना थी नहीं। तो जब इन्होंने भावना नहीं थी तो कैसे पति बना लिए तुमने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में रोज लेके आए और एक लेटर, इतना लंबा चौड़ा लेटर लेके मुझे दिया, रोज दिया, घुटने के बल बैठ के प्रपोज कर रहे थे। मुझे इतना अजीब लगा और डर भी लग रहा था। तो जब कहने नहीं ले रो फिर पता नहीं मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फेंक के मारा, मैंने बोला मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे ये वो, तो मैं चली गई, मैंने बोला मैं जा रही हूँ अपने घर। और मैं एक बात और बताया था, फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कुछ दिनों बाद, प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये 10th क्लास पढ़ने के बाद हम 1.5 साल का गैप आ गया था। एक बार मैं गया था, बस मैं तो बिल्कुल वो हो गया था कि भाई मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैडम के तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। एक बार सब्जी खरीद रही थी और नीचे सर करके सब्जी खरीद रही थी अपने मैं इनके घर के, इनके प्रपोज करने के बाद मैं 1.5 साल तक हम अलग रहे, 1.5 साल तक बिल्कुल ही अलग रहे। और मैं एक बात बता देता हूँ, जब मैं इनके घर से जब गुजरा था, हर रोज गुजरता था, एक दिन ही मैडम 1.5 साल में मिली थी, वो भी सर नीचे कर ली, मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मतलब जिसको हम प्यार करते हैं वो ऐसे कुछ करते हैं। फिर मैडम 12वीं क्लास में इनके भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों को पढ़ना था, उन्होंने कॉल लगाया कि पढ़ाना है, मैं हाँ। फिर इनके घर गए, फिर वहाँ से फिर से ट्यूशन स्टार्ट हो गया 12th क्लास, फिर चलती रही। और दोस्तों जैसे हम दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन जो शादी के बाद जो सबसे पहले हम हैदराबाद गए थे, है भाई हैदराबाद गए थे, हैदराबाद पे जो एक कप चाय पिए थे हमने चार मीनार के पास, तो वही चीज है, मजा कुछ और था। तो बिल्कुल, तो यही चीज वहां पे चाय पिए, लेकिन यही था। मैं हमेशा इनको बोलता था शादी करने के, बोला नहीं शादी नहीं करना है, शादी नहीं हो सकती है हम दोनों की, क्यों नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती, तुम इस फैमिली से हो, मैं इस फैमिली से, मतलब कोई नहीं यार, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
तो ये मैडम ने कभी और अभी भी बोलती है, मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी थी, तुम मेरे पीछे थे। कभी मानती नहीं है कि ये कौन? मुझसे प्यार करती है, मैं क्योंकि इनसे भाई प्यार नहीं देखो, करता। लड़कियां कभी किसी के अच्छा पीछे नहीं पड़ती, अच्छा लड़के पड़ते हैं तुम पीछे। देखो बताना, अगर प्यार वन साइड हो तो कभी शादी हो सकती वन है? साइड नहीं था, पर हाँ तुम रोते नहीं ठीक है, थे, जो पहल करता है वो लड़का ही तुम होता है। रोते नहीं थे। और एक बात बता दो, जब मैं फिर से ट्यूशन पढ़ाने गया, उसके बाद हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनने लगी, और रात को दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच बजे तक ये जगा के रखती थी, फोन पे बातें करना बातें करना, खूब करती थी बातें। और आप सुबह भी मेरे करते 6 बजे थे? जिम का टाइम हुआ करता था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 4 महीने तक तो मैं सोया नहीं था, 1-2 घंटे बस सोता था बस मैं। अब मैंने बोला था भैया मैं प्यार करता हूँ, शादी तो करूंगा इसी से, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। और देखो शादी कर ली और आज हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ है बिल्कुल। ना? तो यही होता है प्यार, सारी कहानी। तो हमारे बीच की ये जो छोटी छोटी कहानियां थी जो हम लोगों ने आपके सामने रखा, तो आज सालू की कुछ बचपनों की बातें भी बताए हम लोगों ने, बहुत अच्छी लगी यार होगी आपने तो आपको, कुछ नहीं बताया, है? आप क्या करते थे बचपन में? यार मैं क्या करता था, मैं पेड़ों पे लटक लटक के खेलता रहता था और तेरा वाह इंतजार करता था। चुप रहा, तब तो अरे मैं आ गया ठीक है, पीछे तो वो भी आपको पता अगले, भी नहीं। वो भी अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना? हमारे फैमिली अभी आज सारी की की यही डिमांड फोन पे, पट्टी खोली है हमारे इन्होंने। फैमिली के डिमांड पे हम अगली वीडियो में बता देंगे। और बिल्कुल, तुम्हारी तो अभी आधी बातें बताइए, कुछ आधी बातें रह गई है जो बाद में बताएंगे। अब क्या बताओगे? अरे बहुत सारी बातें हैं, वो खत्म थोड़ी होती है बातें, सच्ची में शर्म आ गई। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आज सालू का इंटरव्यू था, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करे, शेयर करे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक